मेरी तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से पूरी कौम को ईद उल फितर मुबारक हो। आप सब जानते हैं कि इस दफ़ा ईद उल फितर जो कि खुशी का त्यौहार है, लेकिन इस वक्त ना सिर्फ हमारी कौम बल्कि पूरी दुनिया एक वबा की लपेट में है, जिससे हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, अपने बुज़ुर्गों की हिफाजत करनी है, और वो तभी हो सकती है जब हम अपनी हिफाजत करें। इस ईद के दौरान मेरी आप तमाम हजरात ख्वातीन से आपसे गुजारिश यही है कि आप अपने घर तक रहें, अपने आप को महफूज रखें। पंजाब पुलिस के अफसरान आपकी हिफाजत के लिए इस दौरान सड़कों पे, गलियों पे ड्यूटी सरंजाम देते रहेंगे। इसके बावजूद कि हमारे बहुत से अफसरान ना सिर्फ इस वबा से शहीद हो चुके हैं, बल्कि बहुत सारे इस वक्त हॉस्पिटल्स और क्वारंटीन में हैं, हम इसके बावजूद आपकी हिफाजत और आपके खिदमत के लिए सड़कों पे मौजूद हैं। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे साथ तावन करें। हम इस तमाम वबा के दौरान भी जहाँ पे अपनी जानों से गुजर रहे हैं, जहाँ पे अपनी सेहत की कुर्बानी दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का हमारे साथ तावन हो। हुकूमत पाकिस्तान भी, हुकूमत पंजाब भी बार बार आप लोगों से यही इल्तिमास करती रही है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पंजाब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने घरों तक रहें। इंशाल्लाह हम इस वबा पर काबू पा लेंगे, और उसके बाद आगे ज़िंदगी रही तो बहुत सारी ईदें आएंगी जो हम बहुत अच्छे तरीके से खुशियों के साथ इकट्ठे होके मनाएंगे। इस मौके पे हमें अपने शहीदों को, अपने ज़ख्मियों को, अपने उन लोगों को जो हस्पतालों में हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। जो हमारा गरीब तबका है उनकी हमें मदद करनी चाहिए। मैं आपसे आखिर में एक दफ़ा फिर यही इल्तिमास करूंगा कि आप अपनी हिफाजत करें, अपने आप को महफूज रखें। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर तमाम पंजाब के अवाम, पाकिस्तान के अवाम को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।